नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। पूजा में प्रयोग होने वाले वस्तुएं जैसे पानी, चंदन, पुष्प, दीपक इत्यादि, इन सभी वस्तुओं का महत्व क्या है और क्यों है? देव पूजन में पान, सुपारी, सिक्का, पानी, अक्षत, चंदन, रोली, पुष्प, दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कुमकुम, हल्दी, मिष्ठान, फल आदि प्रयुक्त होते हैं। इन सब का अपना अपना महत्व है। पान, सुपारी और सिक्का ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बिना पूजा संपन्न नहीं हो सकती। पूजा में पान और सुपारी का प्रयोग नारियल की तरह उत्तर दक्षिण की एकता का प्रतीक है। पूजा में यह उसी प्रकार श्रेष्ठ माना गया है जिस प्रकार स्वागत में सुपारी युक्त पान पेश किया जाता है, यह सम्मानजनक माना जाता है। ठीक वैसे ही भक्त के अंतःकरण में बैठे भगवान की प्रतिमा के समक्ष वह सब कुछ अर्पित करता है जो सम्मान और समर्पण का सूचक हो। चूंकि पान और सुपारी के वृक्ष दिव्य हैं, इसलिए सभी देवताओं को प्रिय हैं। सबसे पहले जलम समर्प्यामि कहते हुए चम्मच से जल चढ़ाते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम तन, मन, धन तथा भावना रूपी चार शक्तियों से समाज की सेवा कर सकें, बुराइयों को धोकर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र समाज बना सकें। इसी के प्रतीक रूप में चार चम्मच जल भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। अक्षतम समर्प्यामि कहकर जो चावल चढ़ाए जाते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि हमें जो अनाज, पैसा या संपत्ति कमाते हैं, उसमें से एक अंश भगवान और उसके बनाए प्राणियों के लिए लगाएं, पूरा का पूरा स्वयं हजम ना करें। चंदन लगाने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन का अंश अंश चंदन की तरह खुशबूदार हो, हम दूसरों की सेवा में अपने आप को समर्पित करना सीखें। जो चंदन की तरह बनते हैं, वे भगवान को प्रिय होते हैं। पुष्पम समर्प्यामि ये कहकर जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं, उनका तात्पर्य यह है कि पुष्प की तरह ही हमारा जीवन हमेशा खिलता रहे, हंसता रहे और प्रसन्न रहे। फूल की तरह एक होकर समर्पित जीवन जीने और लोक मंगल के लिए अपना सर्वत्र बिखेरने तथा अपनी सुगंध से सबको मोहित करने का गुण हम सब अपनाएं। दीपक तभी प्रकाशित होता है जब उसमें पात्र, घी और बत्ती तीनों का संयोग हो, यानी पात्रता, निष्ठा और समर्पण। घी को रोकने के लिए जैसे पात्र की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही पात्रता हमें भगवान की सेवा की होनी चाहिए। समाज सेवा और सत्कर्मों के प्रति निष्ठा भाव ज्ञान का प्रकाश जन जन तक पहुंचाने, भटकों को राह दिखाकर उनका मार्ग प्रकाशित करने और अंधेरा दूर करने की प्रतिज्ञा लेकर हम स्वयं को भगवान के सामने आत्मसमर्पण करके प्रार्थना करें, यही दीप जलाने का सही अर्थ है। अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाने से सकारात्मक जैव विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साथ ही इनके जलाने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन और व्यक्तित्व ऐसा बने कि जहां कहीं भी हम जाएं, सबके मन में सुगंध और प्रसन्नता ला दें। कुमकुम, जो कि हल्दी और चूने या नींबू के रस में मिलाकर बनाया जाता है, त्वचा का शोधन और मस्तिष्क स्नायुओं का संयोजन करता है। हल्दी में खून को शुद्ध करने, शरीर की त्वचा में निखार लाने, घाव को ठीक करने और अनेक बीमारियां दूर करने का गुण होता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण औषधि भी है। नैवेद्य या प्रसाद के रूप में मिष्ठान, फल आदि भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वी से हमें जो कुछ भी मिल रहा है, उसे प्रभु की कृपा और प्रसाद माने। भोग लगाकर जो प्रसाद बांटा जाता है, उसमें भगवान का सूक्ष्म अंश आस्वादित होने के कारण उसका स्वाद अपूर्व एवं दिव्य हो जाता है। इसकी अल्प मात्रा के सेवन से ही अपूर्व रस मिलता है। मिष्ठान का आशय यह भी है कि हमारी वाणी, व्यवहार, व्यक्तित्व, कृतित्व सबसे मिठास, मधुरता आए, क्योंकि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार पूजा में भगवान की प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती है, ताकि वे हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। आमतौर पर प्रसाद का तात्पर्य होता है कि बिना मांगे मिले, क्योंकि प्रसाद बांटने वाला स्वयं ही हाथ बढ़ाकर देता है, इसलिए भगवान के नाम पर बांटे जाने वाला पदार्थ का नाम प्रसाद रखा गया है। हम जानते हैं कि भगवान की कृपा को प्रसाद रूप में प्राप्त करने का ही भक्त अभिलाषी होता है, इसलिए वह प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिलता है, उसे सहज स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।